आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन ने जरूरतमंद बच्चों के शिक्षा के लिए कृष्णा सुदामा निशुल्क शिक्षा योजना की शुरुआत की। सोमवार को आपटा के पदाधिकारियों ने निशुल्क शिक्षा की जानकारी देते हुए योजना के पोस्टर का विमोचन किया। संस्थापक डॉक्टर सुनील उपाध्याय ने बताया कि आपटा द्वारा जिले व ग्रामीण जनपद में संचालित 500 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कृष्ण सुदामा निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की। इसका लाभ जरूरतमंद अनाथ, गरीब, बेसहारा और स्कूल जाने में असमर्थ बच्चे कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक बच्चे की शिक्षा का खर्चा संस्थान उठाएगी और निशुल्क शिक्षण सामग्री भी आपटा द्वारा मुहैया कराई जाएगी। अध्यक्ष डॉक्टर मोहित दीक्षित ने बताया कि हमारा प्रयास है मलिन बस्तियों में शिक्षा से वंचित बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई जाए और नजदीकी स्कूल या हमारे शिक्षण संस्थानों में बच्चे का दाखिला कराया जाए। जो जरूरतमंद बच्चे स्कूल की फीस के बाद कोचिंग की फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें निशुल्क पढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष वैभव बंसल, सीए पूनम अग्रवाल, रोहित दीक्षित आदि मौजूद रहे। ऐसे में वहां हमने शिक्षक को अपॉइंट करके वही बच्चों को उन्हीं के एरिया में वहां अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सर यहाँ मैंने एक वर्ड बोला आपको, जरूरतमंद एक केवल वर्ड नहीं है, तो बहुत कुछ आता है। अगर उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है सर, उसकी जरूरत है। मान लीजिए वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है लेकिन स्कूल में ना समझ में आ रहा है, ऐसे में हम अपनी शिक्षण संस्था हूँ उसे निःशुल्क ट्यूशन भी देने को तैयार हूँ, जिससे कि बच्चे का भला बच्चा आने के लिए, क्योंकि शिक्षा वही समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं तो मैं पढ़ नहीं सकता। वो अगर गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छे तरह कुछ बनना चाहता है और आगे चल के वो कुछ बनेगा, तो हमें इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका माध्यम क्या होगा? इसका माध्यम यही है कि कोई भी, जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, आजकल विकास है बच्चों का, टैलेंट बहुत है बच्चों में, टैलेंट कभी गरीब या अमीर देख के नहीं होता, गरीबों में, गरीब बच्चों में भी बहुत टैलेंट है, पढ़ने की इच्छा है, तो उनका विकास हो आगे चल के, वो कुछ बेहतर नौकरी करें और देश को कुछ दे सके, और ये हमारी आपटा के थ्रू होगा तो बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। तो